दिल्ली में ठंड पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। जैसा कि शुरुआती दौर में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी कहा गया था कि इस बार दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले ठंड ज्यादा पड़ने के आसार रहेंगे। दो दिन बाद भी दिल्ली के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पालम में तो महज 26.5 डिग्री तक तापमान सिमट गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक दिल्ली के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान महज 29.6 डिग्री तक दर्ज किया गया, यह सामान्य है। वही न्यूनतम तापमान अब भी 11.2 डिग्री बना हुआ है, यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। पालम में अधिकतम तापमान भी गिरकर 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी में इस सीजन में यह पहला मौका है जब किसी इलाके का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक गिरा है। जफरपुर में तापमान 27.7, मंगेशपुर में 27.6 डिग्री तापमान रहा। हवा में नमी का स्तर 44 से 98% तक दर्ज किया गया है। 11 नवंबर तक राजधानी में स्मॉग और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। वहीं 10 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान भी है। स्काई मेट के अनुसार हवाओं की स्पीड अभी 3 दिनों तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं रहेगी। इसकी वजह से स्मॉग दिखता रहेगा, विजिबिलिटी भी कम रहेगी। ईएनटीवी ब्यूरो रिपोर्ट।